मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसीनगर थाने में बीते दिन थाने के अंदर गार्ड रूम में आत्मघाती कदम उठाने के मामले में बीते दिन जहां जैसीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक के परिजनों ने सागर सिलवानी रोड पर सैमरा गोपालमन गांव में सुबह से लेकर शाम तक न्याय की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया था, लेकिन अब इस मामले में मृतक युवक और उसकी नाबालिग प्रेमिका के कुछ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सभी वीडियो और फोटो उसी युवक के सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल हुए हैं जिसकी थाने में मौत हुई है। इन वीडियो में मृतक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक और उसकी नाबालिग प्रेमिका ने मंदिर में शादी रचाई होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इन फोटो और वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, जो पुलिस जाँच का विषय है। बहरहाल सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है कि युवक कृतेश की मौत होने के बाद भी उसकी सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार फोटो और वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। बता दें कि बीते दिनों सागर जिले के जैसीनगर थाने में अपहरण के मामले में गिरफ्तार किए गए युवक द्वारा गार्ड रूम में फांसी लगाने का सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया था, जिसके बाद से ही यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों जहां परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर सुबह से लेकर शाम तक सागर सिलवानी रोड पर सैमरा गोपालमन गांव में चक्का जाम करते हुए जमकर हंगामा किया था, जहां पुलिस कप्तान तरुण नायक, कलेक्टर दीपक आर सहित जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों सहित ग्रामीणों को काफी समझाने की कोशिश की थी, बावजूद इसके परिजन और ग्रामीण अपनी मांग को लेकर चक्का जाम पर अड़े बैठे रहे थे। बहरहाल सोशल मीडिया पर इन फोटो और वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जैसीनगर से कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया।